हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जनरल कंपटीशन मैथ। आज 30 जुलाई 2021 का आरआरबी एनटीपीसी फेज 7 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ एनालिसिस करेंगे। सभी क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस होंगे और उसका सबसे बेस्ट और शॉर्टकट सटीक सॉल्यूशन होगा। आप किसी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये बोल रहा है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 8 सेकंड में एवं किसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। आपको पहला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई ट्रेन जब किसी खंभा को, किसी सिग्नल को या पेड़ को या आदमी को पार करती है तो ट्रेन की सिर्फ अपनी लंबाई गिनती होती है। उसी प्रकार से जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को, किसी सुरंग को या किसी कोई भी यानी कि बहुत बड़ा वस्तु रहे तो उससे पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और उस सुरंग की लंबाई या दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई जुड़ती है। ये बेसिक कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पर वही यूज करेंगे। इसका सबसे पहले मेथड फर्स्ट देखिए, मेथड फर्स्ट बता रहे हैं। मेथड फर्स्ट यहाँ पर जब कोई ट्रेन कोई खंभा को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों स्थिति में उसका जो स्पीड होगा यानी कि चाल होगा वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसका यूज कर रहे हैं यानी कि चाल क्या होगा, कॉन्स्टेंट। चाल आपका क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब चाल होगा हमेशा अचर। अचर कहने का मतलब स्थिर रहेगा, यानी कि जब ट्रेन कोई खंभा को पार कर रहा है तब चाल और जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तब उसकी चाल, दोनों की चाल को सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ये भी रूल लगा सकते हैं यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आपको पता होना चाहिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय यानी कि दूरी कितना, 250 मीटर। 250 मीटर कितना, 8 सेकेंड में, तो 250/8 ये वाला चाल हो गया इतना मीटर प्रति सेकेंड जब कोई ट्रेन किसी खंभा को पार कर रहा है। 250 मीटर लंबी ट्रेन 8 सेकेंड में किसी खंभा को पार करती है तो इतना मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ये आपका हो गया क्या, जब कोई खंभा को पार किया तब। अब यही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड हो जाता है यानी कि जुट जाता है। तो यहाँ पर से 250 मीटर तो आपका ट्रेन की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप एक्स मान सकते हैं या प्लेटफॉर्म ही लिख सकते हैं यानी कि पी। और कितना सेकंड में, तो 20 सेकंड में पार कर रहा है तो बटा 20 इतना मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 × 8 = 20 और यहाँ पर से 2 से 125 दूरी कितना हो जाएगा, 250। 125 बचे गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 625 और बराबर इधर 250 प्लस पी, यहां से घटा सकते हैं आप यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा, 625 में से आप घटा लीजिए 250। तो क्लियरली आपको देखना चाहिए पी का मान कितना है, 5 में से 0 होगा तो 5 होगा, यहाँ पर से 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका हो गया 375 मीटर। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ये आपका मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकेंड यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए यहाँ आपको दिखना चाहिए मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड इस प्रकार से लिख रहा है, जैसे कोई ट्रेन है जो 250 मीटर लंबी है, 250 मीटर लंबी ट्रेन है जो किसी खंभा को 8 सेकेंड में पार कर रही है, उसी प्रकार से जब यह ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई गिनती होगी यानी कि 250 प्लस पी। ये इतना मीटर की, मतलब कोई अब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलकर ये दूरी तय कर रहा है कितना, 20 सेकेंड में। तो ये आपका टाइम का डिफरेंस कितना है, 8 सेकेंड से 20 सेकेंड हुआ, यानी कि क्लियरली आपको दिखना चाहिए 8 सेकेंड से 20 सेकेंड हुआ तो कितना समय का गैपिंग है, 8 सेकेंड से 20 सेकेंड यानी कि 12 सेकेंड का गैपिंग है। तो ये 12 सेकेंड का गैपिंग है, यही 12 सेकेंड में आपका प्लेटफॉर्म पार कर रहा है वह ट्रेन, 12 सेकेंड में किसी प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन पार कर रही है। तो देखिए आप इसे चुंबकीय के नियम से भी बना सकते हैं कि 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में 250 मीटर की दूरी तय करते हुए ट्रेन, तो इसलिए 12 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, तो क्लियरली दिखना चाहिए 8 से 12.5 हुआ है, 8 से 12.5 हुआ है तो कितना, डेढ़ गुना हो रहा है, 8 से 12.5 हुआ है तो डेढ़ गुना। तो इधर भी 250 का डेढ़ गुना कर देंगे, 250 का डेढ़ गुना कितना होगा, 250 और डेढ़ करने का मतलब 250 का आधा आप जोड़ेंगे यानी कि 125, 250 प्लस 125 तो 375। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर से और भी शॉर्टकट चल सकते हैं कि देखिए 8 सेकेंड में कितना है,
250 मीटर, 8 सेकंड में 250 मीटर, तो कैंसिल कर दीजिए तो 4 दुनी 8 और 125 दुनी 250, यानी कि 4 सेकंड में कितना हो गया 125 मीटर, तो आपका कितना 12 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 12 सेकंड कहने का मतलब ये 4 का कितना हो रहा है 3 गुना, 4 किया 12 तो इधर 125 का 3 गुना कितना हो जाएगा 125 किया 375 मीटर। इस प्रकार से भी आप 375 मीटर बना सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करने का शॉर्टकट अप्रोच देखिए, आपको वो अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा। ऐसे आप नहीं बनाते होंगे, आप चूंकि के नियम से बनाते होंगे इस प्रकार से कि चूंकि 8 सेकंड में 250 मीटर, तो 1 सेकंड में निकालते होंगे 250 बट 8 करते होंगे, फिर 12 सेकंड में तो गुना 12, इस प्रकार से हल करते होंगे, फिर ये कैंसिल करके 375 लाते होंगे। आप जैसे चाहिए बना सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं आपको वो तरीका समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। ये क्रेमुल और विक्रेमुल का इजी क्वेश्चन है। इसे पहला मेथड भी इसका देखिए, मेथड फर्स्ट, 15% की हानि होती है, डेट मीन्स कहने का मतलब 15% की हानि का मतलब यानी कि 85% वह बेच रहा है, 85% पर वह बेच रहा है, तो 85% का वैल्यू कितना दिया है आपके प्रश्न में 170 रुपया। 15% की हानि, दैट मीन्स कहने का मतलब 85% पर बेच रहा है, तो 85% का वैल्यू 170 रुपया, तो यहाँ पर से 1% आप निकाल सकते हैं, तो या ऐसे भी कर सकते हैं 85 दुनी कितना होता है, 85 दुनी आपका होता है 170, तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है, 85 कम 85, 85 दुनी 170, तो 1% का वैल्यू कितना है 2 रुपया। तो क्रेमुल का मतलब होता है 100%, क्रेमुल का मतलब होता है 100%, यानी कि क्रेमुल पूछता तो आपका 200 रुपये हो जाता, लेकिन आपसे पूछ रहा है 10% का लाभ हो, यानी कि 110% का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर से 10 से गुना, कितना से गुना हुआ है 110 से, तो इधर भी 110 से गुना करेंगे, यानी कि 110 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 220 रुपया। ये आपका हो गया, या इसका शॉर्ट अप्रोच ये भी है, देखिए 100 यानी कि जो पूछ रहा है 170 रुपये में बेच रहे हैं, तो 15% की हानि यानी कि 85% पर बेच रहे हैं, और 10% का लाभ हो तो कितना बिकेगा, यानी कि 10% का लाभ मतलब 110% पर हमें बेचना है, तो ये इस प्रकार से 85 दुनी 170 और 2 से 110 दुनी 220 रुपया में हमें बेचना होगा, तभी हमें 10% का प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं शॉर्ट वे में। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल का यूज करना है। तो यहाँ पर से 243 लिखा गया है, भागा को गुना 1/3 लिखेंगे, ये भाग है इसे भी गुना 1/3 लिखेंगे, यहाँ भी गुना 1/3 लिखेंगे। अब देखिए 3×3=27, यानी कि 243×27 लिख सकते हैं, 3×3×3 297 होता है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 9। आप एक करके कैंसिल भी कर सकते हैं, 81×243 फिर 87×81 फिर 9×27, जैसे आपको शॉर्ट लगे वैसे आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 5 5 is to 125 proportion 777 is to भाग, इस प्रकार का ये रीजनिंग का शायद क्वेश्चन हो सकता है। तो इसे कैसे बनाते हैं, देखिए 5 का क्यूब ये कितना है, 5 का क्यूब 125 है, उसी प्रकार से ये 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 7×7×7 यानी कि 7×7=343, तो यहाँ पर से 343 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, जी बराबर 49 तो आर का मान कितना होगा, तो G मतलब कितना होता है 7, यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ बता रहे हैं, G का मान लिख रहे हैं 7, तो 7 का वैल्यू मतलब 7 का स्क्वायर यहाँ किया गया है, 7 का क्या किया है वर्ग, तो उसी प्रकार से आगे R का मान कितना होता है 18, तो R का स्क्वायर कितना होगा जो यहाँ पर लिखना है, तो 18 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 18 का स्क्वायर, तो 18×18 कितना होता है 324, तो 324 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे 7 का स्क्वायर 49 हुआ तो 18 का स्क्वायर 324। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी बेलन एवं गोला की आयतन समान है तो एच अनुपात आर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या करेंगे गोला का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपका आना चाहिए और गोला का आयतन भी आना चाहिए, तो दोनों का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे और जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर लिख देते हैं एच, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू कहने का मतलब आर गुना आर गुना आर,
इस प्रकार से, तो दो आर तो कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई इस प्रकार से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, ये चार बटा तीन और ये आर, यानी कि आर इस तरफ आएगा तो एच बटा आर बराबर कितना हो गया, चार बटा तीन, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एच अनुपात आर कितना हो गया, तो चार अनुपात तीन, या अगर जो आपसे आर अनुपात एच पूछे तो ये क्या हो जाता, तीन अनुपात चार। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, यदि तीन संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच हो एवं उनका एचसीएफ दैट मींस मसा सात हो तो उनका एलसीएफ बताइए। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में दिया है तीनों संख्या का अनुपात, मान लीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये तीनों संख्याओं का अनुपात है तीन अनुपात चार अनुपात पांच, और क्वेश्चन में ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि प्रश्न में दिया है सेवन, एचसीएफ बराबर कितना दिया है सेवन, तो रेशियो में एचसीएफ कितना हो जाएगा, तीन चार पांच का एचसीएफ हो जाएगा रेशियो में एक, तो एक रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में सेवन दिया है। ठीक, इसके बाद रेशियो में एलसीएम कितना हो जाएगा, तो रेशियो में एलसीएम हो जाएगा पांच चार तीन का एलसीएम पंचों को बीस दिए साठ हो जाएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू सात, तो साठ रेशियो का वैल्यू कितना होगा, मतलब इसमें सात से गुना हो रहा है तो इसमें भी सात से गुना होगा, तो साठ गुना सात कितना हो जाएगा, छह सत्य बयालीस, यानी कि चार सौ बीस आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एक है कि दो संख्या का अनुपात आपके प्रश्न में दिया है, दो संख्या का अनुपात है एक अनुपात तीन और इनका एचसीएफ आपके प्रश्न में दिया है आठ, तो एलसीएम बताना है, तो यहाँ पर से एचसीएफ रेशियो में कितना होगा, तो रेशियो में एचसीएफ दिख रहा है एक तीन का एचसीएफ एक होगा, एक रेशियो का वैल्यू आपके क्वेश्चन में आठ दिया है, तो एलसीएम आपसे पूछ रहा है कितना होगा, जो तो यहाँ पर से एक रेशियो का वैल्यू आठ है तो रेशियो में तीन गुना एक यानी कि एलसीएम तो तीन होगा, तो तीन मतलब तीन रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो आठ से गुना हो रहा है, यहाँ भी आठ से गुना करेंगे यानी कि ट्वेंटी फोर, जब दो अनुपात रहेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, तीन अनुपात वाला इस प्रकार का क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, कॉट स्क्वायर पी बराबर एक बटा चार, तो सेक पी का मान कितना होगा, यहाँ पर से कॉट स्क्वायर पी बराबर एक बटा चार है तो कॉट पी का मान कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर एक बटा चार यानी कि एक बटा दो, एक का वर्गमूल एक चार का वर्गमूल दो, और कॉट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कॉट का मतलब होता है टैन का मतलब लंब बटे आधार, तो कॉट का मतलब आधार बटे लंब, यानी कि ये आपका आधार है ये आपका लंब है, ये आपका आधार एक हो गया लंब हो गया दो, तो एच कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, तो दो दूनी चार और एक पांच, यानी कि आपका एच का मान कितना हो गया रूट पांच, और सेक पी पूछ रहा है तो सेक का मतलब होता है कॉस का उल्टा, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, तो सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कहने का मतलब एच, आधार कहने का मतलब बी, तो एच का मान रूट पांच है और पी का मान बी का मान कितना है, तो बी का मान एक है, रूट पांच बटा एक को रूट पांच ही बोलते हैं, ये आपके प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये नाइन है, देखिए इसके आगे टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दो बटा तीन, तो कॉस थीटा का मान बताना है, इजी क्वेश्चन है, देखिए बना रहे हैं, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे इस प्रकार से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर से सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना का मान कितना हो गया एक, ये आपको पहले से पता होगा, तो अगर जो इसका मान हम पी में लेते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा एक बटा पी, तभी दोनों का गुणनफल एक होगा, अगर जो ये फाइव है तो ये कितना होगा एक बटा फाइव, अगर जो ये एक बटा सिक्स है तो ये सिक्स होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं, अगर जो इसे सात बटा तीन लेते हैं तो ये वाला कितना होगा तीन बटा सात होगा, तभी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए दो बटा तीन है तो ये प्लस वाला कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कितना आपका होगा दो बटा तीन है तो ये तीन बटा दो होगा, तभी दोनों कैंसिल होकर एक होगा। अब देखिए दोनों को हम क्या करते हैं, हमें कॉस चाहिए तो सिक्स से आएगा कॉस, यानी कि जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल, एक सेक थीटा एक सेक थीटा, तो टू सेक थीटा और दो बटा तीन प्लस तीन बटा दो, तो ये जोड़ दीजिए तो ये सेम हो जाएगा तीन दोनों छह, दो दोनों चार, तीन तीन नौ, नौ चार तेरह बटा छह हो गया, और ये दो गुना में है तो दो गुना में इस तरफ जाएगा तो बटा हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा तेरह बटा छह, ये दो बटा एक है तो उस तरफ जाएगा तो एक बटा दो होगा, यानी कि तेरह बटा
12, 13 बटा 12 कहने का मतलब sec थीटा है ये, तो cos थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि 12 बटा 13, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा 12 बटा 13 आपका आंसर है। क्वेश्चंस नंबर ये था 10, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चंस। ये फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा गया था, इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस था तो इसे बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन में जब भी आपका दिया रहे एलसीएम एचसीएफ तो कैंसिल होता, तो पहले कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर से ये कैंसिल हो रहा है, तो 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28, ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6 या 3 से ये भी 3 से ये भी, तो 2 3 6 और 7 21, यानी कि आपका एलसीएम किसका किसका निकालना है, 13/7 का, 2/7 का और ये 5/14 का। तो एलसीएम का मतलब होता है अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी कि जो भी आपसे पूछ रहा है तो एलसीएम किसका निकालना होगा, अंश में कौन कौन है, 13 है, 2 है, 5 है, और एचसीएफ किसका निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है 7 और 14 का। तो क्लियरली आपको देखना चाहिए 13 2 5, यानी कि गुणनफल सभी हो जाएगा, तो 13 गुना 2 गुना 5 अलग अलग संख्या है, और नीचे में एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर सभी का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का मतलब होता है, तो 7 हो जाएगा, यानी कि 130/7 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस नंबर ये था 11, इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 12, ये आपका इजी क्वेश्चंस है, 2 वेरिएबल वाला। तो देखिए, एक y का मान 4 यहां रखना है, तो x का मान क्या होगा, तो y का मान 4 रख देंगे, यानी कि 3x + 4 * 4 = 36, यानी कि क्लियरली देखना चाहिए कि 3x = 36 में से कितना 4 तो 16 इस प्रकार से घटा देंगे तो 20 बचेगा, 3x = 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20/3। अगर जो पूर्णांक में लिखेंगे तो 6 पूर्णांक 2/3, यही आपके प्रश्न का आंसर है। ये क्वेश्चंस नंबर आपका था कितना 12। 13 नंबर क्वेश्चंस बता रहे हैं कि 101 का घन कितना होगा, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चंस है, 101 का घन कितना होगा, तो इसका हम एक ट्रिक स्पेशल देंगे। 101 से लेकर 109 तक का घन जल्दी से निकालना, हमने पहले भी आपको बताया है लेकिन फिर इसका बता देंगे, लेकिन यहाँ आपका एनालिसिस है इसलिए शॉर्ट वे में हम आपको कंसेप्ट ही बता देते हैं। तो कंसेप्ट ये किस पर है और इसे हल करते हैं इस प्रकार से, एक का क्यू एक लिखते हैं, एक के बाद डबल डबल डिजिट में लिखते हैं 2 अंक, फिर 0 3 होगा और उसके बाद 103 होगा, इस प्रकार से। ये कैसे लिखा जाता है आपको फुल डिटेल कंप्लीट वीडियो एक देखना होगा, एक वीडियो हम बना कर देंगे शॉर्टकट वाला, उसमें यहाँ इसका बेसिक कंसेप्ट से ही आपको बता देते हैं। बेसिक क्या होता है, इसे 100 + 1 का होल क्यूब लिख दीजिए इतना, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, यहाँ लिख रहे हैं देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसका यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ए क्यू कहने का मतलब 100 का क्यूब प्लस बी क्यू, बी क्यू कहने का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 × 100 × 1 इंटू ए प्लस बी, यानी कि 100 + कितना हो जाएगा 1, ये हमने लिखा। ए प्लस बी कहने का मतलब 100 + 1, अब इसे हल कर देंगे, 100 का क्यूब कहने का मतलब 1 पर कितना 0 होगा, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 6 हो जाएगा, इतना आप समझ रहे होंगे। 1 का क्यूब तो 1 का क्यूब कितना है, 1 ही है, 3 × 100 तो 300 ये 3 × 100 तो 300 हो गया, 101 × 3 करेंगे तो 303 हो जाएगा, तो 303 पर ये 00 हो जाएगा, 100 + 1 तो 101 × 3 किए तो 303 हुआ, इस पर तो वो 0 दे दिए। अब इस सभी को जोड़ दीजिए, तो जोड़ना भी आसान है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले 0 1 0 तो 1 हो गया, 0 0 तो 0 हो गया, उसके बाद 3 और 0 तो 3 हो गया, 0 और 0 तो 0 हो गया, उसके बाद 3 यहां पर और 0 तो 3 लिख दिया हमने, और ये 10 तो 10 लिख दिया। तो देख सकते हैं ये 103 03 01 ये आपका है। तो ये फुल्ली कंप्लीट आपका बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं उस पर हमने बताया, ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखिए ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्या कंसेप्ट था वो आपको बता देते हैं। आपको इस प्रकार से ये अंदर में, यानी कि वृत्त के अंदर में कोई दो, ये इस प्रकार से कोई दो हम जीवा ये ले लिए, इसे आप जीवा बोलते हैं, पता होगा आपको, आप केंद्र से होकर जाता है तो उसे व्यास बोलते हैं, तो दो जीवा हमने ले लिया, यहाँ पर वो रहता है, कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ ए बी दे दिया, ऐसे सी डी दे दिया, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एओ गुना ओ बी, एओ इंटू ओ बी बराबर ये क्या होता है, ओ डी इंटू ओ सी या सीओ इंटू सी डी, जो भी लिख सकते हैं, मतलब सीओ
गुना क्या हो जाएगा ओडी। तो ये आपका जब अंदर में बाइसेक्ट करेगा जीवा तो इस प्रकार से होता है, और बाहर बाइसेक्ट करेगा मतलब या इस प्रकार से, ये इसका क्वेश्चन होगा या इसका भी क्वेश्चन रह सकता है। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनता है। इस पर भी यहाँ पर पी दे देते हैं, यहाँ पर ए बी, यहाँ दे देते हैं सी डी। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इंटू पी बी लिख देते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो इसका जो भी बेस्ट इस पर क्वेश्चन बना था आप बना सकते थे। तो इस फॉर्मूला के बेस्ट या तो इस पर या इस पर था, तो दोनों आपको ज्योमेट्री वाला ध्यान रखना है कांसेप्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपको एक रूल पता होगा, यहाँ पर बता रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान एक होगा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब। उसी प्रकार से कॉस में भी होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान ये भी एक होगा, कब, जब अल्फा बीटा जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर से देखते हैं साइन स्क्वायर 5 और 5 के साथ 90 ये वाला हो रहा है, तो 5 डिग्री और 85 डिग्री तो 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों का योगफल कितना हो गया 1। और ये दोनों जो बचा साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80, तो ये दोनों का योगफल 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 आंसर आपका हो गया। और भी डिटेल से बनाना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, ये किस पर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का बढ़ा हुआ रूप हमने ये लिखा था डायरेक्ट बनाने के लिए, इसी का ये बेस्ट है। जैसे साइन स्क्वायर 80 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, और साइन स्क्वायर 85 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 एक हो गया, साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 तो एक हो गया, एक एक दो इस प्रश्न का आंसर है। तो इस वीडियो को आपने देखा, ये कैसा लगा आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो वो कमेंट से आप बता सकते हैं कि ये हमने गलती बताया है, या कोई भी और भी उसका सटीक सोल्यूशन आपको पता है तो वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इस चैनल को जितना हो सके जल्दी से जल्दी सभी लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस पर हम लाइव क्लास ले सके। हम जल्द ही प्लेटफॉर्म का आपका ग्रुप डी का स्पेशल सेट देंगे और उसका टेलीग्राम पर क्यूज भी कराएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लें।